हेलो मैडम नानी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, क्या नमक के अंदर से बिजली गुजार के बल्ब को जलाया जा सकता है? तो दोस्तों, यही काम मैं करके देखूंगा और ये भी देखूंगा कि नमक को एज अ टाइमर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कुछ देर तक वो बल्ब को जलाता रहे, उसके बाद वो बुझा दे। तो दोस्तों, यही सारे काम होंगे। इसमें कौन सी साइंस लगेगी, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होंगी, वही सारी चीज़ें आपको वीडियो के आखिर में और शुरू में पता चलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। तो दोस्तों, मैंने एक बल्ब लिया और बल्ब लेने के बाद इसके एक तार को सीरीज़ में एक कटोरे के अंदर से गुजारा। कटोरा चीनी का था, इसको चूल्हे पे रख के चूल्हे को जला दिया। फिर बारी आई नमक की, मैंने नमक इस कटोरे के अंदर डाल दिया। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी, यानी कतरे कतरे करके पानी इसके अंदर डाला, ताकि कटोरे के अंदर की नमी बढ़ जाए और नमक की वजह से जो है करंट एक तार से दूसरे तार में पास हो। तो दोस्तों, हुआ भी इसी तरह और बल्ब जल गया। इसी तरह 3 मिनट तक जलता रहा और बुझ गया। फिर दोस्तों, इसी प्रैक्टिकल को मैंने दोबारा दोहराया, मगर दोबारा दोहराने की सूरत में रिजल्ट वो नहीं आया जो पिछली बार मिला था, यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़राबी मौजूद थी। तो दोस्तों, मैंने थोड़ा ज़रा ज़्यादा पानी डालने की कोशिश की, मगर जब भी इसी तरह का रिज़ल्ट आया, यानी बल्ब सही से जला ही नहीं। फिर मैंने बहुत सारा पानी दोस्तों इसके अंदर डाल दिया, यानी इतना सारा कि वो पानी उबलने लग गया दोस्तों, मगर उसके बाद भी रिज़ल्ट वो नहीं आया जो कि आना चाहिए था, यानी बल्ब सही से जला ही नहीं, यानी कि उस तक करंट सही से पहुँचा ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने एक और तरकीब का इस्तेमाल किया, और वो क्या थी वो आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये हल्के हल्के इसी तरह से ही काफ़ी देर तक टिमटिमाता रहा, यहाँ तक कि पानी इसका उबल उबल के सूख गया और भाप बन के उड़ गया, मगर दोस्तों ये जला अब भी नहीं। तो दोस्तों देखिए, फिर मैंने इसका एक तार निकाल के इधर उधर टच करने की कोशिश की कि शायद अब जल जाए, मगर दोस्तों अब भी रिज़ल्ट मुझे अच्छा सा नहीं मिला, यानी बल्ब अब भी नहीं जल रहा था। तो दोस्तों, इसका मतलब ये था इसके अंदर से करंट सही से पास ही नहीं हो रहा था। तो दोस्तों, कहीं कहीं लगाने पे, कहीं कहीं टच करने पे ये जल जाता था, मगर अक्सर जगहों पे ये नहीं जल पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और तरीका आजमाया, पावर सप्लाई बंद की और दोस्तों इस नमक को आपस में मिक्स कर दिया। दोस्तों, नमी ताकि यकसा पूरे नमक के अंदर एक साथ फैल जाए, उसके बाद दोनों तार लगा दिए इसके अंदर और इस चूल्हे को दोबारा से जला दिया, ताकि हल्का हल्का टेम्परेचर बढ़ जाए और उसके बाद जब तक ये बल्ब जल सकता हो जलेगा और उसके बाद ये बुझ जाएगा। तो दोस्तों, हुआ भी कुछ इसी तरह। तो दोस्तों, थोड़ा सा खेलने और मस्ती करने के बाद मेरे पास कटोरे पे जमा हुआ नमक ये बचा था।